ट्रेलर बहुत अच्छा लगा मेरे को, जिस तरीके से आर्मी ऑफिसर का है कहानी है, स्टोरी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और स्टार कास्ट की भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगी। बहुत अच्छा ट्रेलर था, जैसे कि सनी जी ने बहुत अच्छा किया है उसमें, और जिस तरह अभी उनका जैसे कि अभी डेब्यू हुआ है फिलहाल ही, और बहुत अच्छा किया उन्होंने ट्रेलर में। तो अच्छा था, एक ऐसी कहानी की याद दिलाई गई जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जिसके बारे में और जानना चाहते हैं। आज़ाद हिंद सेना हम सबके लिए बहुत ही ऐसा नाम है जिसको हम जानना चाहते हैं, यू नो, उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इतिहास की एक बहुत बड़ी सच्चाई को एक पर्दे पर इस तरह से ला कर देना जहाँ पर हम सब उसे रिलेट कर पाएँ, देख पाएँ, जान पाएँ, उन किरदारों को समझ पाएँ जो जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, कि एक सबक है आज के लिए, आज के जनरेशन के लिए और आज के युवक के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम भूल चुके हैं, जैसे कि हम कैसे आज़ाद हुए हैं, हमें आज जो ज़िंदगी जी रहे हैं, इतने गट से जी रहे हैं, वो किसके वजह से जी रहे हैं, किसने हमारे लिए कुर्बानियाँ की है और किस, वो सब भूल चुके हैं, बहुत लोग भूल चुके हैं। उस हिसाब से ये पिक्चर आना बहुत ज़रूरी था और बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उनकी भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, जिस तरीके से दिखाया गया है, मतलब सब कुछ मेरे को अच्छा लगा। यस गुड, वेरी गुड, अच्छा पावर है, अच्छा जोश है दोनों में, हीरो हीरोइन दोनों बहुत जोशीले काम किए हैं, अभी देखते हैं इंशाल्लाह अच्छा होगा। कबीर खान का डायरेक्शन उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, ही इज़ आउटस्टैंडिंग, पर इस चीज़ इस वाले सीरीज़ के लिए वो बहुत पैशनेट है, क्योंकि ये कहानी उनके दिल में बहुत सालों से थी और हमेशा वो इस पर काम करते हुए आए हैं, और डॉक्यूमेंट्री मेकर से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है, और ये डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बहुत पहले बनाई थी ऑलरेडी, इस पर छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो बहुत इसकी चर्चा हुई थी, और तब से वो ये अपने दिल के साथ सजे हुए थे। जब भी हम लोग उनसे मिलते थे सालों से, वो हमेशा कहते थे कि ये वो बनाने वाले हैं, करने वाले हैं, फाइनली वो वक्त आ गया है। तो मुझे लगता है अपना सारा पैशन जो है उन्होंने, हम देख सकते हैं एक वेब सीरीज़ के इतने ग्रैंड स्केल पर उन्होंने ये सीरीज़ बनाए, मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पर इंडिया में इतनी ग्रैंड स्केल पर कोई भी सीरीज़ बनी है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स उनके बहुत हिट हुए हैं, सुपरहिट हम सब ने देखे हैं सलमान खान के साथ, मगर ये वेब सीरीज़ भी अपने आप में धमाल है। तो कबीर खान के डायरेक्शन के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवी की है कबीर खान ने, जैसे कि टाइगर जिंदा है, इसमें भी बहुत अच्छा क्लाइमेक्स वगैरह दिखाया है ट्रेलर में। उनकी डायरेक्शन ऑलरेडी अपन ने देखी हुई है फिल्मों में, तो बहुत अच्छी है, तो होपफुली इसमें भी बहुत अच्छी होगी, देखा जाएगा जब पूरी सीरीज़ बाहर आएगी। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत डायरेक्शन भी, ट्रेलर देख के ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। केमिस्ट्री जैसे थोड़े थोड़े इसमें ट्रेलर में लव सीन्स भी दिखाए हैं दोनों के साथ में, तो अच्छी लग रही है दोनों की बॉन्डिंग साथ में, देखना है आगे क्या होगा पूरे सीरीज में। इट्स वेरी गुड, ऑल इज वेरी गुड, ऑल इज। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिंज वॉच करने के लिए, जैसे ही आएगा मैं तुरंत पूरा देखूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एज अ स्टूडेंट जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी तब भी बहुत क्यूरियस थी, एज अ नॉर्मल सिविलियन जब मैं हमेशा अखबार पढ़ती हूँ और इन सब चीज़ों के बारे में उड़ी उड़ी सी खबरें मिलती हैं, और अब एक ऑथेंटिक तरीके से एक कहानी आएगी, इसमें ह्यूमन एंगल भी होगा, रियलिटीज़ भी होंगी, फैक्ट्स भी होंगे, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है देखने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैंने जैसे कहा ना कि ये फिल्म आना बहुत ज़रूरी था, और हमें मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो कब आए और मैं जाके पहली शो थिएटर में। रेट आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 5 आई विल गिव 3.5, आउट ऑफ 5 में 3, आई विल रेट इट 4.5। मेरे ख्याल से तो 4 मिलना चाहिए।